हेलो फ्रेंड्स, अमूमन मैं अपनी जो शूट्स है ना वो सवेरे करती हूँ या शाम को करती हूँ, लेकिन आज दोपहर का 1:30 का टाइम हो रहा है और मैं अपने बैकयार्ड में हूँ। इसलिए क्योंकि जाड़े जो आ गए हैं ना, तो आजकल सबको एक शौक हो गया है सब्जियां लगाने का। और ये बहुत बहुत अच्छी बात है कि फूलों का से थोड़ा हटके अब हम लोग सब्जियों के लिए भी सोचने लग गए हैं। लेकिन मेरे बहुत से फ्रेंड्स ऐसी हैं जिनके घरों में धूप नहीं आती है, तो वो बड़े डिसहार्टेंड सी हो जाती हैं कि हम क्या करें, हमारे घर में धूप नहीं आती और इतना शौक है। और बच्चे भी कहते हैं, मम्मा तुम्हारे सब फ्रेंड्स लगाते हैं सब्जियां, आप क्यों नहीं लगाते हो? तो मैं उनको कहती हूँ, बेटा मेरे घर में तो धूप नहीं आती। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप बिल्कुल डिसहार्टेंड ना हो। धूप नहीं आती, रोशनी तो आती है ना, डायरेक्ट सन नहीं है, डिप्लीटेड सन तो है ना, उसकी ब्राइटनेस तो है ना। और वही कुछ सब्जियां ऐसी हैं फ्रेंड्स जो उसके लिए उतनी रोशनी बहुत पर्याप्त होती है। अब मैं बैक यार्ड में आई हूं तो आपको इसलिए दिखाना चाहूंगी कि इस समय जिधर मैं खड़ी हूं ना, ये मेरे पीछे ईस्ट कॉर्नर पड़ता है, तो ईस्ट से की सामने वेस्ट है। तो अब क्या है, और वेस्ट है तो आप ये देख रहे हो कि इस तरफ जो है फ्रेंड्स नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर है। तो नॉर्थ ईस्ट में धूप बहुत बहुत कम आती है, रोशनी है लेकिन धूप बहुत कम है। तो मैंने इधर इसलिए अपने अधिकतर ग्रीन्स लगाए हुए हैं कि इनको धूप कम है, अच्छे चलते हैं। यहाँ पे परमानेंटली मैंने इनको रखा हुआ है। इस तरफ मेरे सामने वाले कॉर्नर जो साउथ वेस्ट का कॉर्नर है, खूब धूप आती है। लेकिन कब आती है फ्रेंड्स, जब तकरीबन 11-12 बजे से आने शुरू होती है और फिर शाम तक रहती है, क्योंकि पीछे जो प्रॉपर्टीज है, इधर आम का पेड़ है, काफी बड़ा पेड़ है, तो उसकी वजह से धूप थोड़ी रुक जाती है। और ये जो आप एरिया देख रहे हैं ना, ये वाला जहां मैं खड़ी हूं इस समय, तो इसमें बहुत कम रोशनी आती है, धूप आती है, क्योंकि जब धूप उस तरफ जाती है वेस्ट साइड में, तो थोड़ी 2 घंटे के लिए मुश्किल से यहाँ तक आ पाती है। ऊपर ये ऑनिंग भी लगा है और इसीलिए मैंने यहाँ पे पाम लगा रखा है। सब्जियां मैंने यहाँ नहीं लगाई है, पर आपकी अगर ऐसी स्थिति है तो आप आराम से वहां पे सब्जियां लगा सकते हैं। वीडियो देखते रहिएगा क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि आप कौन सी सब्जियां यहाँ पे इस तरह की डिप्लीटेड लाइट में, ब्राइट लाइट में लगा सकते हैं जहां पे सन की जरूरत नहीं है। क्योंकि इस एरिया में सन नहीं आता है और आपको सब्जियां लगानी है फ्रेंड्स, तो आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि पानी पानी आपको उसमें कम देना पड़ेगा, क्योंकि इतनी जल्दी वो इवेपोरेट नहीं होने वाला है। दूसरे, सीड्स को जर्मिनेट होने के लिए थोड़ी वार्म्थ चाहिए होती है, गर्माहट चाहिए होती है और थोड़ी ह्यूमिडिटी चाहिए होती है। तो चूंकि यहाँ पे धूप नहीं आता है तो गर्माहट कम है, हो सकता है आपके सीड जर्मिनेट करने में थोड़ा टाइम लगाएंगे। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप सैपलिंग्स, सीडलिंग्स पहले से लेकर आए, जो जमी जमाई हैं, तंदुरुस्त हैं, उनको आप लाके अपने कंटेनर्स में यहाँ रख सकते हैं। और एक बात और कहना चाहूंगी कि थोड़ा सा आपका जो प्रोसीजर है ना, वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, क्योंकि ठंडक में सब्जियां या जो पौधे हैं वो थोड़ा सा देर में बढ़ते हैं। पर कुछ नहीं होने से फ्रेंड, कुछ होना तो बहुत अच्छा है कि नहीं? तो आइए कुछ सब्जियों के नाम ऐसे देखते हैं जो आप अपना आराम से अपने 2-3 घंटे वाली धूप या ब्राइट लाइट वाली साइड में लगा सकते हैं। पालक न्यूट्रिशन से भरपूर, सेहत के लिए बहुत अच्छा, फ्रेश एंड क्रिस्प, और बहुत पीरियोडिकली आपको 10-15 दिन में दूसरी फसल दे देता है आपके काटने के बाद। पालक लगाइए आप, फिर उसके बाद आप पीज लगा सकते हैं, पी माने मटर लगा सकते हैं। आपको आश्चर्य होगा, अब जैसे मेरी ये खिड़की है, मैंने ग्रिल लगाई हुई है पूरी, तो आप यहाँ पे गमले लगा सकते हैं इसके साथ साथ, और इसके ऊपर आप धागा बांध के, डोरी बांध के, स्ट्रिंग बांध के पी का पेड़, मटर का पेड़ जो पौधा है वो चढ़ा सकते हैं। एंड यकीन जानिए, आप खुद सोचिए कि जब वो इसमें चढ़ेगी तो कितनी खूबसूरत लगेगी, आप इमेजिन करिए। उसके बाद आप लगा सकते हैं लाल मूली, जो टेबल रेडिश जिसको कहते हैं, गोल वाली लाल मूली आप लगा सकते हैं। आप सबसे और पौष्टिक, एक और मैं आपको चीज बताती हूँ जो आप लगा सकते हैं, दैट इज लेटस।
रोशनी में लेटस से अच्छा कुछ भी नहीं होएगा। और फ्रेश खाइए रोज क्रिस्प, उससे जो लाभ है आपके सेहत के आपको भी पता है। आप स्विस चार्ड लगा सकते हैं अगर आपको शौक है, आप बेसिल की कोई भी वैरायटी लगा सकते हैं। और इसमें मैं आपको बताना चाहूंगी बेसिल की वैरायटीज में जब फ्लावरिंग होती है तो वो बहुत अच्छे पॉलिनेटर्स का काम करते हैं। आपके ये धूप वाले एरिया में अगर आपने और तरह की सब्जियां या जैसे मेरे नींबू का पेड़ लगा है या आपने फूल लगाए हुए हैं तो वो बीज को वो बेसिल के जो फूल हैं बहुत अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेटर्स से को। और उससे क्या होगा, वो जब आएंगे तो आपके जो धूप वाले पौधे हैं और उनमें फूल और फल लगने वाले हैं उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो बिल्कुल भी आप डिसहार्टेंड मत होइए, आप इन सब्जियों का प्रयोग अपने कम धूप वाले एरिया में जहां डिप्लीटेड लाइट आती है, ब्राइट लाइट है, वहां पे जरूर करिएगा। तो कोशिश करते रहने में ही कामयाबी है फ्रेंड्स। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ग्रो जरूर करिएगा वेजिटेबल्स को। टेक वेरी गुड हेल्थ केयर ऑफ योर हेल्थ। बाय।